Hello students, we are studying diversity in living organisms. We have already covered the kingdom Plantae and the other kingdoms, three before that. Now today we are going to study kingdom Animalia. Animalia kingdom includes all the animals. These are multicellular eukaryotes without cell walls. Multicellular हैं, eukaryotes हैं सारे के सारे और इनमें cell wall नहीं होती है. They are heterotrophic in their mode of nutrition. That is, they do not prepare their food. They are dependent on other organisms for their food, basically on plants. Kingdom Animalia is further classified on the basis of the type of their body, the differentiation found in their body, whether they have organs or not, kaun-kaun se organs hain, kaun se nahi hain, uske basis pe they are further classified into various phylums. 10 phylums hain. These are Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, jisko hum Nemathelminthes bhi bolte hain, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protocordata and Vertebrata. अब ये एक चार्ट है, इसको आप देख लीजिए, एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये. एनिमल्स अगर उनके अगर सेलुलर लेवल पे हम ऑर्गेनाइज करें, सेलुलर लेवल की वजह से उन्हें डिवाइड करें, तो वो हो गया, एक हो गया पोरीफेरा. पोरीफेरा जो है वो सबसे बेसिक फाइलम है. इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जस्ट सिंपल स्ट्रक्चर होता है एंड दे हैव पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी. तो पहला फाइलम हो गया पोरीफेरा. दूसरा फाइलम है सीलेंट्रेटा, जो कि पोरीफेरा से थोड़ा एडवांस्ड होता है. इनके कोई सीलेंट्रेटा कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है इनकी एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, मतलब इनकी जो आउटर लेयर है और जो इनर लेयर है उसके बीच में कोई बॉडी कैविटी नहीं है. बॉडी कैविटी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम. तो इसका मतलब इनकी बॉडी में सीलोम नहीं है. फिर आते हैं सीलेंट्रेटा के बाद आते हैं Platyhelminthes. Platyhelminthes जो हैं these are worms. उसके बाद Nemathelminthes, ये भी worms होते हैं. और उसके बाद आते हैं Annelida, ये भी worms होते हैं. तो ये तीन तरह के worms आ गए. अब जो third phylum है, जो fourth phylum है और जो fifth phylum है, ये तीनों worms होते हैं. Platyhelminthes flat worms होते हैं, Nematoda, Nemathelminthes राउंड वर्म्स होते हैं और एनिलिडा जो होते हैं ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं. इसके बाद सिक्स फाइलम आता है मोलस्का, सॉरी सिक्स फाइलम है आर्थ्रोपोडा. सिक्स फाइलम आएगा आर्थ्रोपोडा और उसके बाद सेवेंथ आएगा मोलस्का. आर्थ्रोपोडा जो होते हैं वो हमारे सारे जितने भी इंसेक्ट्स हैं इस दुनिया में वो आर्थ्रोपोड्स होते हैं. सेवेंथ मोलस्का, दे आर सॉफ्ट बॉडीड सेगमेंटेड एनिमल्स और इनके पास एक शेल भी होती है. और उसके बाद मोलस्का के बाद आते हैं एकिनोडर्मेटा. एकिनोडर्मेटा इज योर एर्थ फाइलम. उसके बाद कॉर्डेट्स आ जाते हैं. कॉर्डेट्स में प्रोटोकॉर्डेटा नाइन्थ फाइलम और लास्ट फाइलम जो वर्टिब्रेटा है वो हो गया टेंथ फाइलम. ये 10 फाइलम आपको पढ़ने हैं, इनकी सिंपल बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. और 10th फाइलम की 5 क्लासेस, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमिलिया. तो इनकी सिंपल सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. इट इज़ वेरी इजी, देखने में डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन आप एक बार पढ़ना शुरू करो, सिस्टमेटिकली पढ़ो तो इट इज़ वेरी इजी. नाउ द फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा. पोरीफेरा के नाम से पता चलता है पोर्स. पोर्स हैं इसकी बॉडी में, पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं. ऑर्गेनिज्म दीज आर दी ऑर्गेनिजम्स विद होल्स और पोर्स ऑल ओवर देयर बॉडी. दे आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड मोस्टली मरीन. सबसे सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में सबसे सिंपल हैं. मोस्ट ऑफ देम आर मरीन एक्सेप्ट स्पॉन्जिला. दीज आर पोर बेरिंग एनिमल्स विथ कैनाल सिस्टम. कैनाल सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू पानी ट्रांसपोर्टेशन होता है और पानी में ही ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इनकी बॉडी में आते जाते हैं, जिनको ये अपने फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल दे रखा है,
दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट. मतलब ये एनिमल्स मूव नहीं कर सकते, एक जगह फिक्स रहते हैं. इनका जो कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम होता है, इट हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर और खाना और ऑक्सीजन. इट ब्रिंग्स इन फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी. इट कैरीज फूड एंड ऑक्सीजन इन एंड आउट ऑफ देयर बॉडी. दीज आर कवर्ड विद अ हार्ड आउटसाइड लेयर और द स्केलेटन. इनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है बड़ी मिनिमलिस्टिक होती है, डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा नहीं होती है. एंड दे हैव असिमेट्रिकल बॉडी. कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं. बॉडी पोरस होती है, मतलब पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं ऑस्टिया. ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑस्टिया. देर इज अ सिंगल लार्ज ओपनिंग कॉल्ड दी ऑस्किलम. जो टिप है, जो ये है, ये ऑस्किलम कहलाता है. इट इज़ द ओनली फाइलम ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुज मेंबर्स लैक अ नर्वस सिस्टम. इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता है. एग्जाम्पल साइकॉन, स्पॉन्जिला, यूप्लेक्टेला एट्सेट्रा. सेकेंड फाइलम जो है वो है सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा का मतलब हॉलो गट. इनकी बॉडी में खाली कैविटी होती है, एक डब्बे जैसा होता है, चारों ओर वॉल होती है और बीच में एक खाली कैविटी होती है. जैसे कि एग्जाम्पल ये हाइड्रा देख रहे हो, आपकी ये वॉल है और ये सेंटर में इसके खाली स्पेस है. चारों तरफ वॉल है और सेंटर जो है, ये खाली स्पेस है. तो ये जो हॉलो कैविटी है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि हॉलो गट. दे आर एक्वेटिक, पानी में रहते हैं. इनमें थोड़ी सी बॉडी डिफ्रेंसिएशन बेटर है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन. जो पहले वाले थे उनसे थोड़े से ये बेटर है. इनकी बॉडी कैविटी जैसी होती है, एक ही ओपनिंग होती है सबसे ऊपर, वही इंजेक्शन के लिए. यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, वही इंजेक्शन के लिए यूज़ होती है. वही इंजेक्शन के लिए मतलब यहीं से खाना लिया जाता है और यहीं से एक्सक्रीट किया जाता है वेस्ट मटीरियल. दे आर द फर्स्ट ऑफ मल्टीसेलुलर एनिमल्स विच पजेस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद डिस्टिंक्ट लेवल डिवीजन ऑफ लेबर. इनके बॉडी में थोड़ी सी डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गई, मतलब अलग अलग टिश्यूज को अलग अलग काम दिए गए हैं. बॉडी जो है इनकी दो ही लेयर से बनती है, सेल्स की दो ही लेयर होती हैं. और कुछ स्पीशीज कॉलोनीज में रहती हैं जैसे कि कोरल्स, अदरवाइज बाकी सब अकेले अकेले रहते हैं, सॉलिटरी, दैट इज हाइड्रा. एग्जाम्पल क्या हो गए, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, दैट इज जेलीफिश, सी एनिमोन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, फ्लैट वर्म्स. ये जो तीन वर्म्स है मैंने आपको बोला था, प्लेटीहेलमिंथिस, फ्लैट वर्म्स, नीमेटोडा राउंड वर्म्स, और एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म्स. तो ये तीन वर्म्स वाले अब फाइलम आ गए. ये क्या है, मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, मतलब कि दूसरों की बॉडी में रहते हैं, उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं और बदले में उनको नुकसान पहुँचाते हैं, जैसे कि लिवर फ्लूक. और कुछ फ्री लिविंग है जैसे कि प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज अ फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिंथिस या फ्री लिविंग वर्म. दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, मतलब इनकी बॉडी में तीन लेयर होती है सेल की, जिससे कि इनके सारे टिश्यूज डेवलप होते हैं. बॉडी इनकी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है. इसका मतलब कि अगर इधर से जैसे हम एक लाइन खींच दें तो इसके, सॉरी आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से अगर हम एक लाइन खींच दें तो वो इनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी. दिस मीन्स दैट दे हैव अ बायलेटरल सिमेट्री, मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन. सेम जैसा यहाँ है वैसा, जैसा राइट साइड में होगा वैसा ही लेफ्ट साइड में. बॉडी कैविटी या सिलोम नहीं होता, इट इज़ टोटली एब्सेंट. बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का मतलब डॉर्सल सर्फिस होता है. जैसे हम किसी चीज़ को, सपोज कोई ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है, हम ये कह रहे हैं ये इसका ऐसे ही एक रफ सर्फिस बना रही हूँ मैं, कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसका माउथ है, ये इसकी टेल है, फिश है जैसे. तो इसका जो ये वाला अपर सर्फिस है, अपर सर्फिस को हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं. इस सरफेस को हम डॉर्सल सरफेस बोलते हैं
और जो लोअर सरफेस होता है उसको हम वेंट्रल सरफेस बोलते हैं. ओके, सो देयर बॉडी इज ऑल्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब टॉप टू बॉटम, इसीलिए तो इनको हम फ्लैट वर्म्स बोलते हैं. एग्जाम्पल हो गया प्लेनेरिया विच इज फ्री लिविंग, फिर फेसियोला, टीनिया सोलियम जैसे टेप वर्म होता है, ये इन्फेक्टेड वर्म्स बहुत बीमारियाँ कॉज करते हैं और ये पैरासाइट्स होते हैं. नेक्स्ट फाइलम है नीमेटोडा, जैसे कि मैंने कहा ये राउंड वर्म्स होते हैं. वर्म्स के तीन फाइलम है, ध्यान रखना, प्लेटीहेलमिंथिस, नीमेथीहेलमिंथिस और एनिलिडा. प्लेटीहेलमिंथिस फ्लैट वर्म्स, नीमेटोडा या नीमेथीहेलमिंथिस राउंड वर्म्स और एनिलिडा सेगमेंटेड वर्म्स. इनकी बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं, चाहे वो फ्लैट हों चाहे राउंड हों. नीमेटोडा जो है दे आर पैरासिटिक वर्म्स, दे कॉज डिजीजेस, वेरियस डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि फाइलेरियासिस, एलिफेंटाइसिस. राउंड वर्म्स स्टमक में रहते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं और उसमें बीमारी कॉज करते हैं. इनकी बॉडी भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. बॉडी इज इलोंगेटेड, नैरो एंड सिलेंड्रिकल. टिश्यूज हैं लेकिन कोई ऑर्गन सिस्टम अभी तक यहाँ पे नहीं आया है, ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं. फीमेल जो होती है, देखो जैसे राउंड वर्म्स है ना एस्कैरिस, इसकी जो फीमेल है ये मेल से लंबी होती है और मेल जो होता है उसकी जो एनल वाली एनस वाली साइड होती है वो थोड़ी सी कर्व्ड होती है. बॉडी कैविटी इज नॉट अ ट्रू सीलोम बट इट इज़ कॉल्ड अ सूडो सीलोम. यहाँ पे फॉल्स सीलोम कैविटी, फॉल्स सीलोम डेवलप हो गया. जो बॉडी कैविटी है वो प्रॉपर नहीं है. दीज आर द फर्स्ट एनिमल्स टू हैव अ कंप्लीट एंड स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल. एग्जाम्पल हो गया एस्कैरिस और वुशरेरिया, दैट इज फाइलेरियल वर्म जो कि फाइलेरियसिस कॉज करता है. नेक्स्ट फाइलम आ गया एनिलिडा. ये हो गए हमारे सेगमेंटेड वर्म्स, इनकी बॉडी में सेगमेंट्स हैं. देखो ये अर्थ वर्म है, इसमें सेगमेंट्स दिख रहे हैं आपको, इसकी बॉडी सेगमेंटेड है. कितने सारी, आप सब ने डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो आपको बहुत सारे सेगमेंट्स बनाने पड़ते हैं ना. दीज आर फाउंड इन अ वराइटी ऑफ हैबिटेट्स, फ्रेश वाटर में भी मिल जाएंगे, मरीन वाटर में, सी वाटर में भी मिल जाएंगे, ज़मीन पर भी मिल जाएंगे. दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर दी फर्स्ट एनिमल्स विद अ ट्रू बॉडी कैविटी. ये इस फाइलम से ट्रू बॉडी कैविटी मतलब प्रॉपर सीलोम डेवलप हो गया है. दे हैव मेटामेरिक सेगमेंटेशन विद एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन. इनका नर्वस सिस्टम अच्छा डेवलप होता है एंड सेगमेंट्स जो है, पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है. एग्जाम्पल हो गया फेरिटेमा पोस्थोमा, दैट इज अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया, दैट इज लीच एंड नीरीज एंड हेट्रोनेरीज. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम है वो सबसे बड़ा फाइलम है. सबसे बड़ा फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा. इसके एनिमल्स की क्या खास बात है कि दे हैव जॉइंटेड लेग्स, इनके लेग्स में जॉइंट्स होते हैं. दे हैव सेगमेंटेड बॉडी विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमिन. बॉडी जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं. उसके बाद जॉइंटेड लेग्स हैं, इनके तीन या तीन से ज़्यादा पेयर होते हैं एंड अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज ऑन द हेड. कंपाउंड आइज का मतलब कि इनकी जो आइज हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बनती हैं, उन हेक्सागोनल पीसेस से जिनको हम बोलते हैं फैसेट्स, फैसेट्स से मिलके बनती हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कंपाउंड आइज. बॉडी इज बायलेटरली सिमेट्रिकल और ये अर्थ में हर जगह मिल जाते हैं. जो कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े आपको हर जगह मिल जाते हैं, सब जगह सर्वाइव कर सकते हैं, ज़मीन में, मिट्टी में, पानी में, पैरासाइट्स की तरह, किसी भी तरह से. और ये जैसे एग्जांपल कॉकरोच है, दे आदि पता नहीं कितने पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत लाखों सालों से हैं. देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद अ हार्ड एग्जोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन. सिलोमिक कैविटी इनकी ब्लड फील्ड है, इनका कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और बॉडी कैविटी के अंदर ही ब्लड भरा रहता है. एग्जाम्पल पेलेमोन या प्रॉन, पेलेमोन इसका साइंटिफिक नेम है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, पेरीप्लेंटा मतलब कॉकरोच, मस्का, मस्का डोमेस्टिका हाउस फ्लाई, एपिस एपिस हनी बी, एनोफ्लीज एक तरह का मच्छर, और भी बहुत सारे मच्छर, बॉम्बिक्स दैट इज़ दी सिल्क मॉथ. ये सारे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं. नेक्स्ट फाइलम क्या है, मोलस्का. अब मोलस्का जो है ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं, इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, ऐसे बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्पॉन्ज की तरह होती है.
एंड दे आर मोस्टली एक्वेटिक, लिविंग इन सी वाटर. कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं. इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए उसके ऊपर एक हार्ड शेल होती है, शेल जैसी कवरिंग होती है. इनकी भी बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमिक कैविटीज रिड्यूस्ड और सेगमेंटेशन बहुत कम होता है अगर होता है तो. इनका भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी लाइक ऑर्गन्स थोड़े बहुत डेवलप हो गए हैं. सॉफ्ट बॉडी इज सपोर्टेड बाय हार्ड शेल, मतलब इतनी सॉफ्ट बॉडी है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक हार्ड कैलकेरियस शेल दे दी है. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू एंटीरियर हेड, ए वेंट्रल मस्क्यूलर फुट एंड अ डोर्सल विसरल मास. लोकोमोशन इज ब्रॉट अबाउट बाय दैट मस्क्यूलर फुट, वो एक फुट निकला रहता है शेल के अंदर से, उससे इनका लोकोमोशन होता है. एग्जाम्पल काइटन, ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज दी अ मॉलस्क विच डज नॉट हैव अ शेल. ऑक्टोपस की कोई शेल नहीं होती. पायला जो कि हमारा ये शंख होता है, ये डायग्राम भी दे रखा है आपको. यूनियो जो सीपी होती है आपकी, जिसके अंदर से मोती निकलता है. सीपिया, लॉलिगो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मॉलस्क के. इसके बाद आ गया फाइलम एक्नोडर्मेटा. एक्नोडर्मेटा जो फाइलम है, इसमें सारे जो एनिमल्स होते हैं स्पाइनी स्किन्ड होते हैं, उनके सरफेस पे छोटे 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 ऐसे ऐसे ये स्पाइन्स जैसे ऑर्गन्स स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स, मतलब सिर्फ मरीन में, सी वाटर में ही पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में ही रहते हैं ये. बॉडी इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमिक कैविटी होती है. दे हैव अ पिक्यूलियर यूनिक वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड. इनके ट्यूब फीट होते हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इनका जो सर्फेस है ना, इसके अंडर सर्फेस पर पूरे ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं विच आर नोन एज ट्यूब फीट, और इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं. दे हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज एज अ स्केलेटन. जैसे कि इसके पहले वाले फाइलम में कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन था, इनका भी एक स्केलेटन होता है. इनकी सिमेट्री रेडियल है. रेडियल सिमेट्री मतलब कि अगर हम बॉडी का ये सेंटर ले लें, ये सेंटर ले लें, तो यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं. ये 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 तो ये रेडियल सिमेट्री है, मतलब कि रेडियाई के अकॉर्डिंग अलोंग अ रेडियस. एडल्ट्स में रेडियल होती है, लार्वा में बायलेटरल होती है. देयर इज नो हेड और टेल, नो लेफ्ट और राइट साइड. इनके कोई आगे पीछे उल्टा सीधा ऐसा कुछ नहीं होता. एग्जांपल एस्टेरियस दैट इज स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, होलोथूरिया, सी कुकुम्बर, एंटीडॉन जिसको हम फेदर स्टार भी बोलते हैं. उसके बाद फाइलम है आपका नाइन्थ वाला प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटोकॉर्डेटा का मतलब हो गया ऐसा फाइलम जिसमें कि सबसे पहले प्रॉपर नोटोकॉर्ड आपको नज़र आ रही है. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट, सीलोम होता है. बायलेटरल सिमेट्री होती है. अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ. इनकी जो बैक साइड होती है उसके साथ साथ, मतलब अलॉन्ग द बैक ऑफ द एनिमल, ये जो एक जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड जो है, जो कि वर्टेब्रल कॉलम का ही एक प्रिमिटिव टाइप है, वो इनकी बॉडी के बैक में होता है, जो कि इनके नर्वस टिश्यू को और इनकी बॉडी कैविटी को सेपरेट करता है, जिसको हम बोल रहे हैं नोटोकॉर्ड. एग्जाम्पल बेलोनोग्लॉसस, हर्डमेनिया एंड एम्फियोक्सिस. दीज आर योर नाइन फाइलम्स. And the tenth one is the vertebrata. Vertebrata जो phylum है, it is the most advanced group of animals. सबसे advanced है ये vertebrata और बहुत important है. Important इसलिए भी है कि हम भी उसका एक part हैं.